गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि।
राजपाट को छोड़ कर वो वन की ओर चला चला। जग में क्यों है दुख ये सारा, खोज में चला चला। राजपाट को छोड़ कर वो वन की ओर चला चला। जग में क्यों है दुख ये सारा, खोज में चला चला। राह नहीं थी आसान कोई, राह नहीं थी आसान कोई। छूट संग निपुत्र रे भाई, दुखिया कंथक शोक में छन्ना। त्याग कथाएं तुम सुनो, बुद्ध की जीवनी को सुनो तुम सुनो। संकल्प था निश्चित दुख मिटाएगा सारे सारे। ओ, सुख देगा उसको जो भी है पीड़ा के मारे मारे। ओ, ध्यान समाधि पर वो बैठा घन कानन की छांवों में। डर न कोई हिंस्त्र पशु से तूफानों के सायों में। बन गया तन वो अस्थि पंजर, बन गया तन वो अस्थि पंजर। बरसों की तपस्या में गया के वन में पीपल के नीचे। कहा हटो ऐ दुर्गुणों, बुद्ध की जीवनी को सुनो तुम सुनो। है कहानी भली जन सुनो मन सुनो। क्षण श्वास निरीक्षण सजग सतत हुआ पल पल तन मन। ओ, मन संसार के भीतर मंथन, जीवन है बस चित्त का दर्शन। ओ, पूनम की वो चांदनी रात, रंग बहारों का बैसाख। अंधी संस्कृति से परे प्राप्त नया एकदम प्रकाश। पूनम की वो चांदनी रात, रंग बहारों का बैसाख। अंधी संस्कृति से परे प्राप्त नया एकदम प्रकाश। भई तो आंखें चांद और सूरज, हो भई दो आंखें चांद और सूरज। खुल गए ज्ञान के द्वार सब अचरज। सिद्ध वो ध्यानी बन गया ज्ञानी, बुद्ध हो गया तब सुनो। जी तो जब ये दुख भी प्रज्वलित करते हुए बाबा साहब के प्रतिमाला को
पुष्प अर्पण करेंगे। की धूप की पूजा धर्मोपासक धर्मोपासिका राम प्रकाश जक्खू बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करते हुए बुद्ध धम्म संघ को नमन करते हुए राम प्रकाश जक्खू और उनकी विशेष गीत जक्खू द्वारा प्राथमिक तौर पर आज का आयोजन का उद्घाटन उन्होंने किया है। इसके बाद बुद्ध का बुद्ध वचन त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हुए श्रवण करते हुए यहाँ पे बैठे तमाम उपासक उपासिकागण जो आज अपने आंखों का इलाज करने के लिए इस कैंप में आए हुए तो उनका आंखों का इलाज विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले बुद्ध का बुद्ध वचन त्रिशरण पंचशील जिन्हें बैठना आ सकता है वो बैठ सकते हैं, जिन्हें वंदन करना आ सकता है वो वंदन कर सकते हैं। मैं गुरुभद्र महाराज जी को कहूंगा कि वो तथागत भगवान बुद्ध की बुद्ध वचन ग्रहण करने के पहले शिव की याचना करें। धम्मोपासक गुरुवचन लाल जी हमारे वचन में नाम उच्चारण करेंगे जो उच्चारण कर सकते हम वो कर्ण जो नहीं कर सकते हम वो मन उठाकर करके चित्र उठाकर करके वाणी महम् अनामितं वदेथा
सारा का सारा आज का
इसकी जो पूरी की पूरी स्कॉलरशिप है ये जब तो फैमिली की ओर से दी जा रही है, और इसका आयोजन जो किया हुआ है, ये आयोजन करने के पीछे भी कोई है, और वो कौन है? तो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी, ग्रेट ब्रिटेन वार हमदर्द की पूरी कमेटी है, जिसके प्रधान हमारे सामने बैठे है, इनका नाम है देवलाली सुमार, जो इस कमेटी के प्रधान है। साथ ही साथ उनकी मिसेज बख्शो देवी यहाँ पे उपस्थित है, और कमेटी के मेंबर शाजी सलन जी और उनकी मिसेज भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये जो कमेटी के लोगों ने इसे सपोर्ट किया है, उसके साथ साथ जिन्होंने अभी बड़ी ही सुंदर तरीके से बल्ला चोर में एक धमका कारवा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर रात में पिंग पिंग जाके आप लोगों को तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, वो धम्म उपासक गुरुवचन लाल जी जो विश्व बुद्ध महासंघ के प्रधान है, उन्होंने भी इसका पूरा तरह सहयोग दिया है, इसे आयुर्वेद में अपना उन्होंने हाथ लगाया हुआ है। और यहाँ पे उपस्थित तमाम जो भिक्खु संघ है, भिक्खु चंद्रकीर्ति जी है, भिक्खु संघ प्रिया जी है, और भिक्षुनी नागुरबा जी है, जो यहाँ पे आपकी सेवा के लिए ये भी यहाँ पे खड़े हैं। ऐसे नहीं कि भिक्षु जो आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपकी सेवा भिक्षु का करना ये प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि अगर मैं समझूं कि मैं चीवरधारी हूँ और आप आम आदमी हो, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा, तो मुझे चीवर पहनने की कोई राइट नहीं है। सबसे पहले तो मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, बाद में डॉक्टर आके आपकी सेवा करेगा, ये तथागत भगवान बुद्ध का सिद्धांत है। तो आज यहाँ पे हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरह से ये आईटीएम लाखेर भी यहाँ पे इन लोगों ने नकोदर में लगाया था, काफी अच्छा है, मैंने तो सुना, लेकिन सुनने के बाद आज रूबरू इस आईटीएम से हो चुका हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे बाहर में विदेश में जो धम्म बंधु है, धम्म उपासिका है, जो बाबा साहब का कारवा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माध्यम से समय समय पर जिस तरह से ये नियोजन यात्रा किया जाता है, आग्रह यात्रा किया जाता है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए जो आज के प्रमुख डॉक्टर है, डॉक्टर रमेश लुधियाना एमडी, जिनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, वो सारी टीम आपका इलाज करने वाली है। तो यहाँ पे हम ज्यादा समय लेते हुए यही हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी और हम तक ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान को कहूंगा कि दो दिन में आप अपनी शुभेच्छा को प्रदान कीजिए, ताकि हम अपने आगे का शिविर चालू कर सके। देवलाली सुमन। डॉक्टर अंबेडकर जी, पूजनीय भिक्खु संघ, जिस पवित्र स्थान दे विच इस महामान युद्ध विहार दे विच एकत्रित होए सब धम्म बंधु जीओ, ते स्पैशली अज जो आई कैंप का जो आयोजन किया गया है कि उस कैंप दे विच इलाज कराउण वास्ते जो भी मरीज आए हैं, वो सब पर भैणों भरावो, मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेटी वालों नमो बुद्धाय जय भी जय भारत आखदा। बहुत ही खुशी का मौका है, जिस तरह पंत जी ने काफी कवर कर चुके हैं कि इसका मकसद की है, क्योंकि ये जो भगवान बुद्ध के समय तो ये चलता आ रहा है कि जो दान है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि उन्होंने सात दाना के विचों एक दान ये भी कहा है कि एक मानव को मानव के लिए की दान करना चाहिए, उसके विच एक अख दान का भी आता है। तो अज अखा का कैंप लगा रहे हैं ये डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन की तरफ तो लगा रहे हैं, तो मैं जो इतने रहे कार्यकर्ता है जो विश्व बुद्ध संघ पंजाब के जो कार्यकर्ता है, मैं उन्होंने धन्यवाद करता हाँ, उन्होंने बधाई दिना हाँ, तो इस नगर के जिन्हें भी वासियों ने उन्होंने बधाई दिना कि बहुत ही शुभ कार्य है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मानव ही मानव की दुआ है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ने जो 1969 तो ये एक कार्य शुरू किया, बाद सोचा कि पंजाब के क्यों नहीं साढ़े भरावान ये जो सामने वाली बहुत धर्म मिलया है, क्यों नहीं अपने इस धर्म को अपने भरावान जाके प्रचार करिए। तो मैं बड़ी खुशी है कि इतने जो विश्व बुद्ध संघ पंजाब जो कि बहुत ही लगन के नाल लोग अरदास कर रहा है, तो यदा जो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी वालों जो आई कैंप का जो सारा का सारा खर्चा साढ़े पास, जिस तरह के पंत जी दसिया कि बहुत ही चिर तो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल के मुढ़ले मैंबर 69 तो सेवा कर रहे हैं, उन्होंने परिवार वालों
जैसा कि भैन जी जीतो जी ते साडे वीर राम प्रकाश चक्कू जी उन्होंने अपने माता पिता की याद के कैंप लगाया लगाना चाहिए भी आप सबनों ये हिस्सा पाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि सानू अपने समाज में कुछ ना कुछ लेना चाहिए तो यह असी एक प्रण किया संकल्प किया असी भी अपने भरावान को कुछ देिए अज सा राम प्रकाश चक्कू जी तो उन्होंने परिवार वालों जो बहुत ही शुभ कार्य किया गया क्योंकि आज महीना है एक अथीना का महीना है जिस तरह वर्षावाद के बाद संत जी को आप संघ दान दें इस महीने के दान करना चाहिए इस शुभ दान का अपन बहुत पुण्य लाभ मिलेगा तो मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी वालों शुभकामना करता हाँ कि आप सब जो इस बुद्धघर आए हो तो जो इस इलाज कराने वास्ते आए हो तो उन्होंने शुभकामना करता कि अज उन्होंने शुभ लाभ मिले जो भी उन्होंने प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए तो अखा के जो इलाज है उन्होंने ठीक हो जाए क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि दान जो है सब तो वड्डी एक पावनता है कि जो साडे मन राम प्रकाश चक्कू जी उन्होंने दान पावना बहुत है कचीना खुशियां का महीना दान करने का महीना क्योंकि कांशी राम जी क्या करते सन मेरा समाज गरीब नहीं लेकिन सिर्फ मानसिकता गरीब है आप इस मानसिकता अमीर बनाना है तो जिस तरह आप इस तरह अपने कमाई के जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि सू घो घट पांचवा हिस्सा 5% अपनी कमाई का अपने भरावों वास्ते लाना चाहिए तो जो साडे प्रकाश तीसरा मेरे का कैंप है एक उन्होंने शिपर फगवाड़े लगवाया एक नकोदर लगवाया अच्छ बड़ी खुशी की गल है कि अज इस गला चौक के महामाया बुद्ध विहार कैंप लगे है आप वह सारे शुभ फायदा लोगे तो मैं एक बार फिर अपने जो डॉक्टर रमेश जी एम डी जिन्होंने बदौलत तो उन्होंने सारी टीम का धन्यवाद करना कि बाद वो अपनी सेवा के हाजिर है तो इतने के जो कार्यकर्ता है जो वलंटियर है उन्होंने धन्यवाद करना कि वो बड़े सोहने तरीके इस प्रोग्राम आयोजित किया है तो इस तरह मैं पंते जी तो सारे पिकू संघ का धन्यवाद करना थोड़ा सारे का धन्यवाद करना आओ इस जो बाबा साहब का मिशन है तथागत भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो प्रचार के आप सारे योगदान पाइए योगदान पाते हुए जिस तरह कि बाबा साहब का सपना सी कि मैं इस भारत में बुद्धमय देखना चाहना बुद्धमय आप ही देखांगे कि जे आप सारे ये हिस्सा पाइए बहुत बनीए तो ये अपन खुशियां प्राप्त करिए इदा के शुभ कार्य करते करते रहिए एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन वालों और बाकी साथी के इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ सुबह से 7 बजे से वो सारा आयुर्वेद में लग चुके हैं और कंटिन्यू उसको अपने परिश्रम द्वारा एक अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शरणार्थी लेते हुए महादेव जी का शुरू करेंगे सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ में कहेंगे सब पापस अकरणं सब पापस अकरणं कुशल सब संपदा Okay.
महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध की जय हो। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध की जय हो। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय हो। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय हो। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय हो। सबको नमो बुद्धाय जय भीम साधु साधु साधु। सभी डॉक्टर से बोलना नहीं है, ये लो माता जी ठीक है। चलो सब दे तेरे हां मुरीद रबरा जिमें होंदे ने मुरीद लोकी रब दे पीमा तेरे गुण गावा। विद्वाने
ਜਗਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਮੁਰੀਦ ਰਹਿਬਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਈਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ माध्यम से आज जक्कू फैमिली की ओर से भिक्षुओं को भोजन दान तक दिया गया। इस पुण्य दान के बल से जक्कू फैमिलियों को शुभ आशीर्वाद, उनके परिवार में हमेशा सुख शांति धन वैभव ऐश्वर्य ये सारी बातें बनी रहे, हमेशा
उनके निवास के हमें बुद्ध गुरु ब्रह्म गुरु संगम गुरु इसकी विचारधारा बहती रहे और इस विचारधारा में वो अपना जीवन कल्याण में पथ पर लेके आएंगे, मंगलमय पथ पर लेके आएंगे और निर्वाण का साक्षात्कार करने की कोशिश करेंगे। आज जो उन्होंने दान दिया है वो वाकई में दान एक बड़ा ही कौतुक पात्र दान है। जब जब बल्लाचोर में या फिर पंजाब में कोई दान की बात करेगा, दान तो काफ़ी होते हैं, जैसे भोजन दान भी है, अर्थदान भी है, मगर आज सही मायने में जो मानवीय मात्रा का कोई अपने शरीर से परेशान होता है, आज उनमें एक माध्यम से अपने परिवार की ओर से खास तौर पर अपने पिता के नाम से ईश्वरदास जक्खू और कर्मी जक्खू की ओर से जो आई कैंप लगाया ये वाकई में आने वाले समय में एक प्रेरणादायक ऐसे संदेश रहेगा। जब जब पंजाब के धरती पर तथागत भगवान बुद्ध का धम्म का शासन का नाम लिया जाएगा तो इस परिवार को बड़े गौर के साथ में इनका भी स्मरण किया जाएगा, इनके माता पिता का स्मरण किया जाएगा। जो बच्चा जो बेटा अपने माता पिता के ना होने के बाद में जब उनके नाम से कोई कुशल कर्म कहता है, कुशल कर्म करता है, उसे ही खराब पुण्य नमोदन कहते हैं कि अपने माता पिताओं के नाम से ऐसे छोटे छोटे पुण्य कार्य करो जिसके माध्यम से उन्हें सद्गति प्राप्त हो, पुण्य पारमिता प्राप्त हो। तो आज आपने अपने परिवार में अपने माता पिताओं के नाम से जो कुशल कर्म किया, उस कुशल कर्म द्वारा आपके परिवार में हमेशा आपके माता पिता का नाम जीवित रहेगा, वो सदैव आपके साथ में रहेंगे। और साथ ही साथ जो कमेटी आपके साथ में खड़ी है, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी, इसके आप मेंबर हो और ये भी कमेटी बड़ी इसकी तरह कुशल कर्म कर रही है। पंजाब में नहीं तो पंजाब से बाहर निकल कर आज वो एक ऐसे प्रांत में चली गई जहाँ पे दूर दूर तक इसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत भगवान बुद्ध का नाम लेने से भी लोग कांपते थे। उस एरिया में इस कमेटी ने अपना काम शुरू करवा दिया है, अपना कारवा आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। तो सभी यहाँ पे बैठे मेंबरों को भिक्षु संघ की ओर से
कुछ अपना, सब कुछ अपना, देश कौम तो मारिया। मैं सब कुछ अपना, सब कुछ अपना, देश कौम तो मारिया। किसे बिना सन्मानित किता, जिस किता